नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है वाइस न्यूज 18 में। आपके साथ मैं हूं रचना। दूसरी सरकार की शपथ ग्रहण होते ही जहां एक तरफ अपराधी तख्ती लेकर पहुंच रहे थाने, वहीं दूसरी तरफ अपराधी भी भाजपा सरकार में ऊंची पहुंच का हवाला देते हैं। जान से मारने व 2023 तक जिंदा न रहने की देर है खुलेआम धमकी। अनो थाना बिजनौर निवासी मोहम्मद वसीम पुत्र अतीक को लगातार मिल रही 2023 तक जिंदा न रहने व जान से मारने की धमकी। पीड़ित को पुलिस प्रशासन की सुरक्षा लेने समेत 2023 तक जिंदा न बचने की लगातार दे रहा धमकी। वसीम के चचेरे छोटे भाई मोहम्मद आरिफ पुत्र अतीक निवासी के मोबाइल नंबर पर दी जा रही धमकी। वरुण सिंह पुत्र करण सिंह निवासी सरवन नगर थाना बिजनौर, मोहम्मद वसीम पुत्र रफीक निवासी बिजनौर को 2023 तक जिंदा न बचने की दे रहा खुलेआम धमकी। बिजनौर थाना लखनऊ में वरुण सिंह पुत्र करण सिंह पर पूर्व में भी दर्ज है आपराधिक मुकदमे। पीड़ित अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लेकर एसीपी और बिजनौर थाने के लगा रहा चक्कर। बिजनौर थाने पर पीड़ित द्वारा दी गई तहरीर को अपने शब्दों में लिखवाने की पुलिस बना रही पीड़ित पर दबाव। पीड़ित ने मुख्यमंत्री पोर्टल का लिया सहारा, लगाई सुरक्षा की गुहार 2023 तक जिंदा न बचने की वॉयस रिकॉर्डिंग लगातार हो रही वायरल। इनका लड़का वरुण सिंह जो कि हमें जान से मारने की धमकियां देता रहता है, और उससे पहले भी कई बार एक लड़के से कहलवाया था कि हाँ हम इनको जल्द से जल्द मारवा देंगे, और फिर साथ में ये भी दुकान हमारी इनके घर से थोड़ा सा पहले भी रोड पे पड़ जाती है, तो रोड की तरफ से निकलते हैं तो कहते हैं कि आज नहीं कल ये टंडीला यहाँ से सब समेटवा देंगे इनका। और हमारी जो है भाजपा में सरकार के प्रतीक ये है कि उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को ये बोलते हैं कि हम भाजपा सरकार के बहुत बड़े वो हैं और हमारा सप्ताह चलता है और थाना पुलिस हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता, हम इनको कहीं भी चाहें वहाँ मसल सकते हैं। और साथ ही एक दूसरे लोगों से हमारे ऊपर कई बार मेरा साइड हाइट पे काम भी रहता है, लकड़ी का काम करते हैं, तो हम जब साइड पे जाते हैं तो जब कब जैसे लड़के कुछ मुंह बांध कर और कभी ऐसे भी आते जाते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कोई अजनबी होगा जो कि मास्क लगा के जा रहा है। फिर सोचो कि अगर हम रुक रहे हैं तो वो लोग भी पीछे से गाड़ी अपनी रोक कर खड़े हो जाते हैं, तो मुझे डर सा सताता रहता है कि कहीं मुझे मार ना दिया जाए। और अभी कुछ हाल में ही 23 मार्च को मुझे धमकी दी गई, मेरे भाई को, चचा जान भाई को कॉल करके बताया गया कि उसकी सिक्योरिटी बढ़वा दो और वो बस ज़्यादा से ज़्यादा साल से दो साल का गैप नहीं होगा, बस 2023 हम इनको देखने नहीं देंगे। जिसके प्रति मैंने थाने में तहरीर FIR भी दी, और FIR के साथ तो वहाँ पर हमारे पर ये प्रेशर बनाया जाता है कि आप कम लिखवाइए, ये सब मत लिखवाइए, हमारे पर दबाव और प्रेशर बनाया जाता है। हमारा यही निवेदन है कि सरकार वो अच्छे से हमारा फैसला करें, और हम नहीं चाहते कि हमारे आपस में किसी से संबंध खराब हो, लेकिन हमारी जान पर अगर कुछ हो जाएगा तो इसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि सरकार ही सब कुछ है, हम उस पर ही निर्भर हैं। और हम थाने जाते हैं तो थाने वाले भी यही बोलते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम अगर नहीं रहेंगे